दोस्तों, इस वीडियो में हम 12 NFC फोन के नाम जानने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो NFC फोन तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता जो NFC फोन खरीद सके। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो NFC फोन का नाम बताने वाला हूँ और फ्यूचर बताने वाला हूँ उसका प्राइस 20,000 से कम ही में होगा और 10 से 20,000 के बीच में आप वो खरीद पाएंगे आसानी से और आप भी एक NFC फोन चला सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फ़ोन है जो हमें 10 से 20,000 के बीच में मिल सकता है और वो भी NFC फोन। दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहला NFC फ़ोन है Samsung Galaxy F23 5G फ़ोन। ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्राइस है 16,999 रुपये। और यदि मैं इसके फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो आप नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं OTG अवेलेबल है और यहाँ पर डिस्प्ले टाइप फुल HD प्लस मिल जाएगा। और इसके नीचे आते हैं, यहाँ इंटरनल आप देख सकते हैं 128 GB रैम, 6 GB मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी कैमरा आप देख सकते हैं 50+8+2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। और नीचे आते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए NFC, तो मैं नीचे जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं NFC इसमें अवेलेबल है। आप इसे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से आकर काफ़ी सारे इसको फीचर दिया गया है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी का बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, यदि आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, 5G फ़ोन है। और दूसरा फ़ोन का बात करूँ, मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है Samsung Galaxy F62। ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है लेकिन इसका जो प्राइस है वो 23,999 रुपये है। थोड़ा सा 20,000 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है लेकिन इसके फ्यूचर की बात करें तो आप यदि फ्यूचर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OTG अवेलेबल है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल 128 GB रैम, 6 GB। और इसके नीचे आते हैं कैमरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 64/12 5+5 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर नेटवर्क टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पर 4G वोल्ट, 4G, 3G और 2G का मिल जाता है। इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप NFC का देख सकते हैं, यहाँ NFC अवेलेबल है। और इसका बैटरी कैपेसिटी का बात करें तो बैटरी कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, 7000 mAh की बैटरी दिया गया है। ऐसा बैटरी का साइज मतलब सारे फ़ोन में तो नहीं मिलते, किसी किसी में मिलते हैं। तो अगर ये आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा 20,000 से अबव आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, Samsung Galaxy F13 है। इसका प्राइस 11,999 रुपये का है। और यदि मैं इसके फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं OTG अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं आपको इंटरनल लिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 GB है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम 4 GB है। और नीचे चलते हैं, कैमरे के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50+5+2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और यदि मैं NFC का बात करूँ तो आपको यहाँ पे NFC भी देखने को मिल जाता है, आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6000 mAh की बैटरी आपको दिया जाएगा, काफ़ी अच्छा है बैटरी कैपेसिटी भी, यदि आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। चार नंबर पे हमारे लिस्ट में है, ये फ़ोन है Samsung Galaxy J7 Prime। ये थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें NFC अवेलेबल है। इसका प्राइस आपको 15,300 में मिल जाएगा। और नीचे चलते हैं, इसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो इसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इंटरनल 32 GB है, रैम 3 GB है। और इसके नीचे चलते हैं, प्राइमरी कैमरा आप देख सकते हैं 13 MP का मिल जाएगा, रियल कैमरा। ये काफ़ी अच्छा तो नहीं है लेकिन आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये नेटवर्क टाइप आपको 3G मिल जाएगा, अभी के डेट में 3G सही नहीं है लेकिन इसमें NFC अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं NFC। यस,
मतलब एनएफसी इसमें अवेलेबल है, आप चाहे तो एनएफसी के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा तो नहीं है, ये 2300 3300 mAh की बैटरी इस पे दिया गया है, सही नहीं है, बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद पांचवे नंबर पे आता है मोटरोला का, मोटरोला G42, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ये यदि चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, 13,999 में आपको मिल जाएगा और इसमें भी आपको एनएफसी देखने को मिल जाएगा। इसके फीचर के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OTG अवेलेबल है, और नीचे चलते हैं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 GB है और रैम 4 GB है। एसडी कार्ड भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा 50+8+2 MP का मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क टाइप, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4G 3G और 2G मिलेगा। इसके बाद एनएफसी के बारे में बात करें तो आपको एनएफसी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं एनएफसी यस मिल जाएगा, इसमें भी आपको एनएफसी मिल जाता है। यदि मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे बैटरी भी देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलेगा, काफ़ी अच्छा, ये भी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, आप यदि लेना चाहे तो ले सकते हैं, मोटोरोला का है। और इसके बाद हमारे लिस्ट में है यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटोरोला का ही है, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, यदि आप ये लेना चाहते, यदि आप एक मोटोरोला का फ़ोन चलाना चाहते तो ये फ़ोन जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा, ये 17,999 रुपये में मिल जाएगा। इसमें ये रैम जो है 6 GB और 8 GB भी अवेलेबल है, इसमें दो है फ़ोन, यदि आप दोनों ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, यहाँ पे जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, आप कितना यूज करते हैं उसके हिसाब से आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 17,999 वाला, यदि आप इसको 8 GB रैम लेना चाहते तो इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 20,000 का, 19,999 रुपये इसका प्राइस पड़ जाएगा। यदि मैं इसका फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं OTG अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे मैं इंटरनल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 128 GB है, रैम 8 GB है, और कैमरा इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है, ये आप ट्राई ज़रूर करें यदि आप 20,000 के नीचे NFC फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो, ये ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेटवर्क टाइप 5G 4G 3G और 2G सपोर्टेड आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं बैटरी का भी देख लेता हूँ, तो बैटरी भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल जाता है। इसको यहाँ भी आपको NFC मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं NFC अवेलेबल है। ये सारे फ़ोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर वहाँ से देख सकते हैं इसका फ्यूचर, और जो फ़ोन आपको अच्छा लगे, आपके साथ सुटेबल लगे, उसे आप परचेज कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में 6 नंबर पे NFC फ़ोन है, यहाँ पे ये भी मोटरोला का है, सेम मॉडल है, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा 19,999 में मिलेगा, और यहाँ पे जो रैम है वो 8 GB मिलेगा, और कुछ चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे यदि चाहे तो इसमें से दोनों में से कोई आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मोटरोला का है, Motorola 5 51 5G है, ये आपको 12,249 का मिल जाएगा, यदि आप इसे चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके बाद इसके फ्यूचर में मैं बात कर लेता हूँ फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं OTG अवेलेबल है यहाँ पे। आप इंटरनल के बारे में बात करें तो यहाँ 64 GB मिल जाएगा, रैम 4 GB मिल जाएगा। इसके बाद कैमरे की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50+8+2 MP का मिल जाएगा, और नीचे देखते हैं तो नेटवर्क टाइप आपको 5G मिलेगा, 5G 4G 3G और 2G का मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इसमें भी आपको NFC मिल जाएगा, NFC यस अवेलेबल है, NFC आप चाहे तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें बैटरी कैपेसिटी आपको 5000 mAh का मिल जाएगा। इसके बाद मेरे लिस्ट में है, आप यहाँ पर देख पाएंगे Motorola G52, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसका भी फ्यूचर एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आपको 16,499 रुपये मिल जाएगा, यदि मैं इसके
इसके फ्यूचर के बारे में बात करूं तो आप यहां पे देख पाएंगे कि OTG अवेलेबल है। डिस्प्ले आप देख सकते हैं यहां पे डिस्प्ले टाइप फुल HD प्लस है, और यहां इसके नीचे में इंटरनल की बात करें तो यहां पे आपको मिल जाएगा 128 GB और रैम मिल जाएगा 6 GB का। और इसके बाद यहां पे प्राइमरी कैमरा की बात करें तो 50+8+2 MP का मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ नेटवर्क टाइप की बात करें तो ये फ़ोन आपको 4G मिलेगा, 4G 3G और 2G सपोर्टेड मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे NFC इसमें अवेलेबल है और इसे आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके नीचे आता हूँ और बैटरी कैपेसिटी देखते हैं तो बैटरी कैपेसिटी आपको 5000 mAh की मिल जाएगा। इसके बाद हमारे लिस्ट में है ये भी मोटोरोला का है, मोटोरोला G71 5G। ये 5G फ़ोन है और ये 15,999 में मिल जाएगा आपको। और यदि मैं इसके फीचर के बारे में बात करूँ तो आप फीचर भी यहाँ पे देख सकते हैं, OTG अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले टाइप आप देख सकते हैं फुल HD प्लस है, और इसके नीचे आते हैं इंटरनल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 128 GB और रैम 6 GB है। आप प्राइमरी कैमरा भी देख सकते हैं 50+8+2 MP इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं आप देख सकते हैं नेटवर्क टाइप 5G 4G 3G और 2G, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। ये भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इसका डिटेल्स एक बार ज़रूर देखें यदि आप NFC फ़ोन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे NFC आपको अवेलेबल मिल जाएगा इसमें। इसके बाद नीचे जाते हैं और इसके बैटरी कैपेसिटी को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाता है। इसके बाद हमारे लिस्ट में है यहाँ पे आप देख सकते हैं Motorola G60, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। ये आपको मिलेगा 14,999 रुपये में। और नीचे आते हैं इसके फीचर के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको OTG मिल जाएगा, डिस्प्ले साइज यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्प्ले टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल HD प्लस है, और नीचे आते हैं यहाँ इंटरनल स्टोरेज देख सकते हैं 128 GB रैम 6 GB का मिल जाता है, और प्राइमरी कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है 108+8+2 MP का मिल जाएगा। यहाँ सेकेंडरी कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 32 MP का फ्रंट कैमरा। और इसके नीचे आते हैं तो ये नेटवर्क टाइप आपको 4G 3G और 2G मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं NFC अवेलेबल है, और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा 6000 mAh की, काफ़ी अच्छा बैटरी कैपेसिटी है। यदि आप लेना चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका भी आप फीचर ज़रूर देखें, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद हमारे लिस्ट में है ये भी मोटोरोला का है, ये ओल्ड मॉडल है, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं Moto G8 Plus है, इसका प्राइस आपको 15,999 में मिल जाएगा। और नीचे यदि हम फीचर के बात करें तो नीचे आते हैं, नीचे आकर इसके फ्यूचर देखते हैं तो यहाँ पे आपको OTG मिल जाएगा, डिस्प्ले टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे इसके नीचे आते हैं और देखते हैं तो इंटरनल 64 GB रैम 4 GB आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं नीचे प्राइमरी कैमरा को देखते हैं, यहाँ पे आप 48 MP का मिल जाएगा +5+16 MP। इसके नीचे आते हैं और सेकेंड कैमरा भी आप देख सकते हैं, सेकेंडरी कैमरा 25 MP का फ्रंट कैमरा है। यहाँ पे नेटवर्क टाइप की बात करें तो ये 3G फ़ोन है, 3G 4G और 2G, ये आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है NFC का बारी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आपको NFC अवेलेबल मिल जाएगा। इसके नीचे आते हैं और इसके बैटरी कैपेसिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 के मिल जाता है बैटरी एमएच, यहाँ पे 4000 बैटरी एमएच है। यदि आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है लेकिन चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको NFC अवेलेबल मिल जाता है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना था, हमारे लिस्ट में 12 फ़ोन थे 10 से 20 हज़ार के बीच वाले। यदि आप ये सारे फ़ोन में सर लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप एक NFC फ़ोन ढूंढ रहे हैं कम दाम में कम पैसे में तो ये सारे फ़ोन हैं आपको 20 हज़ार के नीचे आपको मिल जाएगा, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, ये आपको
किसी दुकान में भी आपको मिल जाएगा। आप यदि लेना चाहे तो ये सारे फ़ोन को ट्राई कर सकते हैं। इस सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसका फीचर देख सकते हैं और जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारे लिस्ट में 12 NFC फ़ोन। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे।